श्री गणेश जी की मूर्ति घर लाने की पद्धति। श्री गणेश जी की मूर्ति गणेश चतुर्थी के एक दिन पूर्व अथवा गणेश चतुर्थी के दिन प्रातः घर में लानी चाहिए। मूर्ति लाते समय विशेषकर जिस व्यक्ति के हाथों मूर्ति लाना निश्चित हुआ हो उस व्यक्ति को टोपी परिधान करना आवश्यक है। श्री गणेश जी की मूर्ति लाते समय उसे पीढ़े पर रखिए। मूर्ति घर में लाते समय मूर्ति का मुख उसे उठाने वाले की ओर रखिए। मूर्ति को साफ सुथरे रेशमी अथवा सूती वस्त्र से ढकिए। मूर्ति घर में लाते समय मार्ग में श्री गणेश जी का जयकार कीजिए। घर के द्वार पर पहुंचते ही श्री गणेश जी का मुख घर की ओर कीजिए और मूर्ति पर आच्छादित वस्त्र हटाइए। इसके उपरांत मूर्ति जिस व्यक्ति के हाथ में हो उस व्यक्ति के पैरों पर घर की सुहागन पानी डालें, फिर दूध डालें। अब मूर्ति का औक्षण कीजिए। इसके उपरांत घर में प्रवेश कीजिए। मूर्ति को पूजा स्थान पर रखने से पूर्व उस स्थान पर थोड़े चावल रखिए। अब उस पर मूर्ति को बिठा दीजिए। अब हम समझ लेते हैं श्री गणेश मूर्ति की पूजा विधि। सर्वप्रथम आचमन कीजिए, उसके उपरांत देशकाल उच्चारण कर विधि का संकल्प कीजिए, उसके उपरांत शंख घंटा दीप इत्यादि पूजा संबंधी उपकरणों का पूजन किया जाता है। आइए समझ लेते हैं श्री गणेश मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में। इसमें श्री गणेश मूर्ति के हृदय पर दाहिना हाथ रख मंत्रोच्चारण करते हैं। श्री गणेश चतुर्थी पर अथवा नई मूर्ति स्थापित करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। इसके उपरांत श्री गणेश मूर्ति पर दुर्वा अथवा लाल फूल से जल छिड़क कर मूर्ति का अभिषेक कीजिए। श्री गणेश जी को कारपास अर्थात कपास का वस्त्र अर्पित कीजिए। अब यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ अर्पित कीजिए। श्री गणेश जी को चंदन अर्पित कीजिए। अब श्री गणेश जी को हल्दी अर्पित कीजिए। तदुपरांत कुमकुम अर्पित कीजिए। अब सिंदूर अर्पण कीजिए। इसके उपरांत अक्षत अर्पित कीजिए। अब श्री गणेश जी के चरणों में पुष्प चढ़ाइए, उपरांत शमी पत्र चढ़ाइए। अब श्री गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए। श्री गणेश चतुर्थी के दिन तुलसी में श्री गणेश पवित्रक आकृष्ट करने की क्षमता निर्माण होती है, इसलिए श्री गणेश जी को इस दिन तुलसी पत्र भी चढ़ाइए। यथासंभव
फूलों का हार भी चढ़ाइए। यथासंभव दुर्वा का हार भी चढ़ाइए। अब दो उदबत्तियां दिखाइए, तदुपरांत दीप दिखाइए। अब मोदक का नैवेद्य निवेदित कीजिए। अब बीड़ा सुपारी पर जल छोड़िए। अब नारियल पर जल छोड़िए। इसके उपरांत आरती कीजिए। अब कर्पूर आरती कीजिए। कर्पूर आरती के उपरांत नमस्कार कर प्रार्थना कीजिए। श्री गणेश जी के मूर्ति की न्यूनतम 8 परिक्रमाएं की जाती है। ये संभव न हो तो स्वयं के चारों ओर गोल घूमकर 3 परिक्रमाएं की जाती है। अंत में भावपूर्ण मंत्र पुष्पांजलि अर्पित कर श्री गणेश जी को नमस्कार किया जाता है और पूजा की समाप्ति की जाती है। आइए समझ लेते हैं मूर्ति विसर्जन के संदर्भ में। विसर्जन के लिए जाने से पूर्व श्री गणेश जी को पोटली के लिए दही पोहे अर्पण कीजिए। यह पोटली विसर्जन के लिए जाते समय श्री गणेश मूर्ति के साथ रखिए। यथासंभव घर के सभी सदस्य श्री गणेश मूर्ति के विसर्जन के लिए जाएं। विसर्जन के लिए जाते समय श्री गणेश मूर्ति की पीठ मूर्ति उठाने वाले की ओर हो। मूर्ति विसर्जन के लिए सागर, नदी, जलाशय अथवा कुएं पर जाइए। वहां श्री गणेश जी की आरती कीजिए। आरती के उपरांत बहते जल में मूर्ति का विसर्जन पोटली सहित कीजिए। आइए समझ लेते हैं आपातकालीन स्थिति में मूर्ति का विसर्जन करने में कठिनाई होने पर किए जाने वाले उपाय। इनमें पहला उपाय है सुपारी का प्रतीकात्मक पूजन करना। इनमें दूसरा उपाय है धातु की नई मूर्ति लाकर उसका पूजन करना। श्री गणेशोत्सव के काल में आध्यात्मिक दृष्टि से अधिकाधिक लाभ होने के लिए क्या करना चाहिए, इसे जानने के लिए समझ लेते हैं। श्री गणेशोत्सव के काल में करने योग्य धर्माचरण की कृतियां। प्रतिदिन आंगन में एवं श्री गणेश मूर्ति के सामने गणेश तत्व आकृष्ट करने वाली रंगोली बनाइए। इस प्रकार की सात्विक रंगोलियां सनातन संस्था निर्मित लघु ग्रंथ में उपलब्ध है। प्रतिदिन सुबह एवं शाम को श्री गणेश जी के मूर्ति का पूजन कीजिए। पूजन के उपरांत घर के सर्व सदस्यों के साथ मिलकर भाव सहित श्री गणेश जी की आरती कीजिए। आइए समझ लेते हैं श्री गणेश जी की आरती करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ विषय बिंदु। यथासंभव आरती के लिए पंक्ति में खड़े रहिए। आरती मधुर एवं धीमे स्वर में गाइए। जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे माना कामना पूर्ति। जय देव जय देव। नाद उत्पन्न होने हेतु धीमे स्वर में ताली एवं मंजीरा अर्थात ताल बजाइए। अनेक आरतियां न गाकर गिनी चुनी आरतियां ही गाइए। आरती के समय एक दूसरे से बातचीत न कीजिए। आरती के उपरांत मिलकर प्रार्थना कीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रार्थना के उपरांत कुछ समय एकत्रित नाम जप भी कीजिए। सायंकाल में पुनः आरती कर परिवार के सर्व सदस्य एकत्रित बैठकर श्री गणेश स्तोत्रादि का पाठ एवं ओम गं गणपते नमः यह नाम जप कीजिए। ओम गं गणपतये नमः। श्री गणेशोत्सव के काल में अधिकाधिक साधना कर वातावरण में विद्यमान चैतन्य ग्रहण कीजिए।